हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसमें बेसिकली हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हालांकि नया नहीं है, क्योंकि क्लास 9th और 10th में भी आपने पढ़ा है, बट अभी तक आपने केवल एक कहते हैं ना, एक बेसिक्स, एक सुपरफिशियल आइडिया आपको मिला है इकोनॉमिक्स। अब चूंकि क्लास 11th में आपने कॉमर्स स्ट्रीम या इकोनॉमिक्स आपने ऑप्ट किया है एज ऑप्शनल इन साइंस स्ट्रीम और इन ह्यूमैनिटीज, तो यहां से अब हम जो डिस्कस करते हैं, जो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, ये पढ़ते हैं हम फॉर स्पेशलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या? बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे डू परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज। और ये जो एक्टिविटीज होती हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न सम इनकम, और दूसरी एक्टिविटीज वो जिनका ऑब्जेक्टिव होता है गेटिंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन। वो सारी एक्टिविटीज जिनसे हम बेसिकली कुछ अर्न करते हैं, यानी कि जो एक्टिविटीज इस ऑब्जेक्टिव के साथ की जाती है कि हमको कुछ पैसा मिलेगा, इन रिटर्न हमको कुछ मिलेगा, वाई हम इन एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैटेगरी में ले सकते हैं। अब ये एक्टिविटीज हम करते क्यों हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, टू अर्न सम इनकम। इनकम यानी कि द मींस, द वेल्थ। हम वेल्थ को या ह्यूमन बीइंग्स वेल्थ एक्वायर करना क्यों चाहते हैं? व्हाई डू वी वांट टू हैव इनकम्स? तो एक बहुत सिंपल सा इसका आंसर होता है कि हमारा इनकम या वेल्थ के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी जो डिफरेंट वांट्स हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारे नीड्स हैं, जो हमारे वांट्स हैं, उनको हम पूरा करने की कोशिश करें। बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक्स के ओरिजिन की बात करते हैं, तो द वर्ड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक रूट वर्ड, ग्रीक रूट ओइकोस। एक ग्रीक रूट वर्ड हमारा ओइकोस, दैट मीन्स हाउसहोल्ड। And another root word, another Greek root word, and another root word name. Which means
मैनेजमेंट। राइट, तो अगर हम दोनों वर्ड्स को मिला देते हैं दैट मीन्स ऑयकोस एंड नेमिन, तो हमारा क्या बन जाता है? हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। तो बेसिकली हमारा इकोनॉमिक्स, अगर हम लिटरल मीनिंग में बात करें तो इसका मतलब होता है हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स या हम कहें हम जो वेल्थ को एक्वायर कर रहे हैं, वो वेल्थ हम क्यों एक्वायर कर रहे हैं? अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने। अब ये हमारी वॉन्ट्स क्या होती है? एज एन इंडिविजुअल अगर हम बात करते हैं, अगर हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की फॉर्म में अगर हम बात करें, एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर अगर हम बात करते हैं, तो एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर हम क्या चाहते हैं? वी वॉन्ट्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ अवर सेटिस्फैक्शन एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। इंडिविजुअल कंज्यूमर वी वॉन्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ आवर सेटिस्फैक्शन थ्रू कंजम्पशन ऑफ गुड्स, थ्रू कंजम्पशन ऑफ गुड्स। राइट, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर वी वॉन्ट टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। एज अ प्रोड्यूसर हम क्या चाहते हैं? कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। और एज अ सोसाइटी we want maximization of welfare. ये तीन हमारे मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि एज एन इंडिविजुअल अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए थ्रू कंजम्पशन ऑफ गुड्स। एज अ प्रोड्यूसर हम ये चाहते हैं कि अपने प्रॉफिट को क्या कर पाए? मैक्सिमाइज कर पाए। और एज अ सोसाइटी हम क्या चाहते हैं? कि हमारा जो सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनका वेलफेयर मैक्सिमाइज हो। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है या क्या ऐसा पॉसिबल हो पाता है? श्योरली नो, क्योंकि जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो व्हाट वी फाइंड, ऑन वन साइड वी हैव द रिसोर्सेस, भाई वो सारे मींस जिसके थ्रू द मींस थ्रू विच we satisfy our wants। भाई हमारे resources क्या होते हैं? वो सारे means जिनके through हम क्या करते हैं? अपने satisfaction को, अपने needs को, अपनी wants को maximize करने की कोशिश करते हैं, उनको satisfy करने की। लेकिन ये रिसोर्सेस हमारे
क्या होते हैं? रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड अनदर थिंग दे हैव अल्टरनेट यूजेस। दो चीजें हमारे रिसोर्सेस के साथ जुड़ी होती हैं। पहला क्या होता है? रिसोर्सेस या जो हमारे मीन्स हैं विच वी आर यूजिंग फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वॉन्ट्स, वो हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और दूसरी चीज हमारा ये जो रिसोर्सेस हैं इनके क्या होते हैं? ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं, यानी कि आप उनको ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने रिसोर्स को एक जगह यूज कर लिया तो दे आर नॉट अवेलेबल फॉर यूजिंग इट फॉर अनदर यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉकेट में 10 रुपए हैं, अब उस 10 रुपए को आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। यू कैन बाय अ पेन, ठीक है, जिसकी कॉस्ट 10 रुपए है। आप उस 10 रुपए से एक आइसक्रीम खरीद सकते हो जिसकी कॉस्ट अगेन 10 रुपीज है। उसी पैसे से आप गोलगप्पे खा सकते हो, यू हैव टू पे 10 रुपीज। लेकिन अगर आप 10 रुपए का पेन खरीदोगे देन यू विल हैव टू सेक्रीफाइस द अदर 2 wants ऑफ योर्स। यानी कि ना तो आप आइसक्रीम खा सकते हो फिर, और ना ही गोलगप्पे टेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप आइसक्रीम खाते हो तो आपको अगेन यू हैव टू गिव अप 2 of your wants। पहला आपको पेन जो आप खरीदना चाहते हो उसको गिव अप करना पड़ेगा, दूसरा जो आप गोलगप्पे खाने चाहते हो वो भी आपको गिव अप करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप गोलगप्पे खाते हो तो ऑब्वियसली आपको पेन और आइसक्रीम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो रिसोर्स था दैट वॉज लिमिटेड, वो अनलिमिटेड नहीं था। और इसकी क्या थी? ऑल्टरनेट यूज थे, राइट? इसको हम कई तरीके से, डिफरेंट तरीके से हम इसको यूज कर सकते थे। दैट मींस दो चीजें यहां पर आई। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स इन कंपैरिजन टू अवर वॉन्ट्स। हमारी वॉन्ट्स के कंपैरिजन में हमारे रिसोर्स क्या था? लिमिटेड था। सो यू कैन से हमारी वॉन्ट्स जो है, ठीक है, Our wants are unlimited। हमारी जो wants होती हैं वो unlimited होती हैं। हम जो है वो एक ही बार में, हम ये भी चाहते हैं कि हम आइसक्रीम भी खा लें, हम ये भी चाहेंगे कि हम गोलगप्पे भी खा लें, और हम ये भी चाहते हैं कि हम पैन भी खरीद लें। लेकिन अगर तीनों की कॉस्ट हमारी सेम है तो इट कुड नॉट बी पॉसिबल। हमारी wants अनलिमिटेड है लेकिन हमारा जो रिसोर्स है वो हमारा क्या है? लिमिटेड है। तो हियर वी आर फेसिंग 2 problems। पहला, हमारे पास जो प्रॉब्लम जो हमको फेस करनी पड़ती है वो हमको फेस करनी पड़ती है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स। स्कैर्सिटी क्या है? व्हाट इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स? दैट इज लिमिटेशन, और यू कैन से द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, द शॉर्ट सप्लाई ऑफ मींस और द रिसोर्स कंपेयर टू अवर वॉन्ट। यानी कि जो हमारी डिमांड है उसके कंपेरिजन में जो हमारी सप्लाई ऑफ रिसोर्स है या सप्लाई ऑफ मींस है वो हमारा, या हम कहें सप्लाई ऑफ रिसोर्स है वो हमारा क्या है? कम है। दैट इज वॉट वी कॉल स्कैर्सिटी। और दूसरी चीज, इस स्कैर्सिटी की वजह से जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम वहां पर राइज होती है, वी हैव टू मेक अ डिसीजन। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा? एक चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है, टू विच यूज वी
our resource, limited resource, so that I will be getting the maximum satisfaction. हम अपने रिसोर्स को किस तरीके से यूज करें, किस तरीके से हम उसको एलोकेट करें कि हम क्या कर सकें, अपनी वॉन्ट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकें. वी कैन गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ अवर वॉन्ट्स. तो दो चीजें यहां पर मेन हो जाती हैं. पहली चीज हमारी स्कैर्सिटी एंड द अनदर थिंग इज चॉइस. सो द टू थिंग्स कम्स हियर. वन दैट इज स्कैर्सिटी. व्हाट इज दैट? Shortage of supply, shortage of supply of means or resources in comparison to our wants. यानी कि हमारे कंपैरिजन में हमारे wants के कंपैरिजन में हमारा shortage of supply of means or resources. और दूसरी चीज that is problem of choice. Problem of choice. Right? Arising. Due to the scarcity and alternative use of available resources. Right? So now we return back to our question, what is economics? तो economics क्या है? अब human being को दो चीजें face करना है. Human beings have to take the decision, have to make the decision. और वो decision किसके बारे में लेना है? कि वो अपने available resources को किस तरह से allocate करे या किस तरीके से उनको use करे जिससे कि वो अपने मैक्सिमम वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर पाए. सो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ साइंस दैट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर. किसको स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर को. राइट? इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करे. The resources which are always limited or scarce and have alternative uses so that the person, the human, would be able to get the maximum satisfaction of his wants. So economics kya hai? What is economics? So economics is a science that studies the human behavior. किसको study करता है वो? Human behavior को. Human behavior in relation to the allocation of resources or using resources, right? Allocation of resources or using resources which are limited and alternative uses so that
ही कुड गेट, ही कुड बी एबल टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वॉन्ट्स। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर आप कहो तो इकोनॉमिक्स क्या है, दिस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो ह्यूमंस को हेल्प करता है, जो ह्यूमन को हेल्प करता है कि वो किस तरह से अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करे, उन रिसोर्सेस को वो यूज करे जो लिमिटेड हैं, उनके अल्टरनेट यूजेस हैं, जिससे कि वो अपना मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, अपनी वांट्स को मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फैक्शन उसका वो कर पाए। और ये हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमारा कहां से आता है, एक एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ इस सेटिस्फैक्शन थ्रू कंजम्पशन, दूसरा हमारा एक प्रोड्यूसर के लिए कि किस तरह से वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएगा, और तीसरा एज अ सोसाइटी किस तरह से सोशल वेलफेयर जो है वो मैक्सिमाइज हो पाए, राइट। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली हमारा इसका मेन जो एसेंस है वो हमारे किसके साथ जुड़ा हुआ है, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड देयर अल्टरनेटिव यूजेस, एंड सेकेंडली द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। तो अपने इस वीडियो में मैं यहीं तक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स विच आर द टू मेजर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स एंड ऑल्सो share it with your friends as well as those who are known to you, and just approach to class 11th. Thank you and have a learning day ahead. Thank you.